हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ थ्योरम। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरम जस्ट लिख देते हैं और फिर अपना प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थ्योरम में अपना यहाँ पे क्या कहता है कि इट स्टेजेस डैट द टोटल फ्लक्स द टोटल ठीक है द टोटल फ्लक्स फ्लक्स पता है तो ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज वन बाय एप्साइलन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the closed surface। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया डेफिनेशन। स्टेज करने के लिए आपको बोलेगा, तो ये अपना डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या कहता है कि जो अपना टोटल फ्लक्स है, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी कोई भी शेप का हो, नो डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी शेप हो सकता है, चाहे वो इस तरह का शेप हो या इस तरह का शेप हो, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। कंडीशन बस यही है कि क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है वो आपका 1 बाई एप्साइलन नॉट टाइम्स होता है, यानी कि उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 बाई एप्साइलन नॉट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें जो नेट चार्ज मिलेगा वो आपका क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है इसका प्रूफ। ठीक है, ये लगता है थोड़ा सा हार्ड जैसा देखने से, ठीक है, बट ये बहुत ही ईजी है। पहले इसका फॉर्मूला देख ले क्या, फॉर्मूला अपना जो प्रूफ करके लाते हैं हम लोग, वो हम लोग लाते हैं यहाँ पर, ये अपना फ्लक्स के लिए। ठीक है, ये फ्लक्स के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये अपना क्लोज्ड, चूंकि हम लोग दिखाते हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला होता है E into dS और दोनों के दोनों वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है Q बाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, और यही हम लोग को प्रूफ करके लाना है, बेसिकली यही हमें प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है। ये इतना समझ में आया, ओके। अब डायग्राम थोड़ा सा बनाया जाए यहाँ पर और इसको समझाया जाए क्या होगा यहाँ पे प्रूफ, बहुत ही ईजी है। ये अपना हो गया चार्ज। ठीक है, लेट सपोज ये अपना क्या पॉजिटिव चार्ज है एक तरीके से। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड जाता है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग आउटवर्ड दिखा लेंगे। और इसके बाद आपको पता है यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एक सरफेस लेना होगा, चूंकि ये क्लोज सरफेस है, इसका कोई सरफेस तो आएगा। और इससे पहले हमें ये भी देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपना जा रहा है वो किधर जा रहा है। जैसे लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से अपना ये जा रहा है हमारा ई। ठीक है, लेट सपोज मान लिए, ठीक है, ये अपना तो यहीं पे हम लोग ले लेते हैं क्या, एक छोटा सा सरफेस ds। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा ds ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये अपना छोटा सा ds ले लिए, अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपल जवाब समझना है इसमें। जैसे क्या होगा कि हम लोग क्लोज सरफेस के लिए काम करते हैं, ये आपका पता है क्या, ये क्या होता है अपना बाहर वाला, ये जितना भी ये जो बाउंड्री दिख रहा है ये आपको क्या बोलते हैं, हम इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और चूंकि ये स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में है, तो हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, गॉसियन सरफेस, क्लियर है, समझ में आया ये चीज, ओके। अब प्रूफ पे आते हैं, कैसे करना है इसको प्रूफ। देखिए सिंपल सी बात है अपना, यहाँ पर हम लोग जो है, चूंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये अपना आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका लिख दिया जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पे ई आ गया, फिर हम लोग ds का भी फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे ds का भी फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, जो जो चीज आ रहा है वो चीज को अपना लिखते जाना। ठीक है, ये अपना क्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये अपना क्यू है, तो यहाँ पे ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको याद है, 1/4 epsilon naught इंटू क्या होगा, Q/r² होता है क्या, ओके, ये होता है, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं ये अपना वैल्यू क्या होता है, 1/4 epsilon naught K का वैल्यू, तो K Q/r² होता है। ठीक है, ये हमें वैसे नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, ये आपका, ये आपको समझ में आया, ओके।
अब देखिए आपको जो है पता है यहाँ पर जो अपना फील्ड, ठीक है, ये अपना क्यों आउटवर्ड होता है इसका रीजन बता दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है अपना, चूंकि हम लोग डीएस लेंगे, ठीक है, तो डीएस लेंगे उससे पहले हमें फ्लक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। फ्लक्स क्या होता है अपना, फ्लक्स ले लेंगे यहाँ पे। फ्लक्स क्या होगा अपना, इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई इंटू डीएस, ठीक है, और ये अपना डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए डॉट डी है, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं। जब हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा है वो आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये अपना क्यू, यहाँ पे ई, ठीक है, इस तरफ बाहर की तरफ ई लगा रहा है। अब एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ भी तो एंगल नहीं बन रहा, यानी कि एंगल यहाँ पे हमारा जीरो बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू पता है क्या, कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, ई इंटू डी एस, ठीक है। तो ये चीज़ अपना आया, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स का भी आया है। अब हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाल ले, ठीक है। टोटल फ्लक्स यहाँ पे निकाल लेंगे, चूंकि हम लोग टोटल निकालेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर ये आपका ई यहाँ पे हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अपना निकाल रहे हैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स। यहाँ पे लिख दिया जाए टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स यहाँ पे हो गया अपना कैपिटल ई, नीचे अपना सबस्क्रिप्ट में, ओके। तो ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस, और यहाँ पे आपका आ गया डी यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है। यानी कि डी क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट हम लोग कट किए ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्री तो हमें लेना होता है यहाँ पे डी। और वैसे भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन में अपना डी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, जब हम लोग एक छोटा सा पीस, छोटा सा पार्ट कट करते हैं तब हम लोग वहां पे डी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना गया डी इंटू यहाँ पे आपका क्या आ गया, फ्लक्स का, ठीक है। इसी से हमें हमारा निकलेगा ना टोटल, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज का क्लोज सरफेस में, मान लीजिए अपना रूम ही है, ठीक है, आप रूम में बैठे हैं, तो रूम में जो है अपना क्या करना है, वहां पर अगर उसका निकालना है टोटल एरिया, क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट आप कट कर लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उस पूरे रूम का आपको मिल जाएगा एरिया, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, होल पार्ट देता है वो, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग एस लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे अपना आई एन एस, ठीक है, ये अपना इनसाइड के लिए। क्यों जो है हमारा इनसाइड का ही लेंगे, बाहर का नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अपना क्लोज सरफेस के अंदर का बोलता है चार्ज लेने के लिए, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए क्यों, यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन, ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस, ठीक है, ये अपना आ गया एस, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। ये अपना क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पर ये चीज, ठीक है, ई इंटू डी एस लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ से देखिए ई इंटू डी एस, यहाँ से ई क्या बाहर निकल सकता है, ई एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है ना, ये अपना वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, ये वैल्यू अपना, तो यहाँ पे सिंस हमारे ये वैल्यू दे रखा है, यहाँ से अपना क्या हो रहा है, थ्योरम यहाँ से शुरू हो रहा है, पता है, तो यहाँ से अपना थ्योरम प्रूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ई इक्वल्स टू, यहाँ से अपना शुरू हो रहा है ये थ्योरम प्रूव होना, ठीक है। ये इतना तक जो भी था ये अपना थ्योरम था, ठीक है, तो ये अपना थ्योरी पार्ट था इतना तक, और यहाँ से अपना थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ई को, यहाँ पे इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस, यहाँ पे डीएस लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जरा सा, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए डीएस, डीएस क्या है अपना, क्लोज सरफेस का क्या है, एरिया। एरिया क्या आपको पता है, यहाँ पे स्फेयर का एरिया क्या होता है अपना, स्फेयर का एरिया होता है 4πr² होता है क्या, चलिए। तो ये अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अपना इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई, और यहाँ पे आपका क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीएस, डीएस की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 4πr², ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके। अब चूंकि देखिए ये जो है अपना क्या है, बाहर आ सकता है, ऑफ कोर्स ये बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ई इंटू टोटल एरिया इंटू ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये बाहर निकल जाएगा ना, यहाँ पे डीएस, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना,
डीएस। अब यहाँ पे डीएस का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम लोग लाएं, ठीक है, तो डीएस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है अपना। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपना आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे ई, और यहाँ पे डीएस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ई का फॉर्मूला यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे ई का फॉर्मूला पुट कर दिया जाए, यहीं पे देखते हैं, ठीक है, यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई आर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अपना आ गया Q/r², ठीक है, और यहाँ से अपना ये वाला मल्टीप्लाई होगा क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और r² कैंसिल हो गया, तो लास्टली हमारा जो आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना Q, और अपना नीचे क्या आपका बचा एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपना प्रूव होकर आ गया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस प्रूव्स, ठीक है, ये हटा दे क्या पूरा, चलिए हटा देते पूरा, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, आई होप कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नहीं किए हैं तो रिवाइंड करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है, दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉसेस थ्योरम, क्लियर, समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आप सबसे पहले देख पाए, ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए डेरिवेशन के साथ, और मैथ्स का भी चैप्टर अपना आ ही रहा है, डेली अपलोड हो रहा है फुल चैप्टर, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।